हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बाउल में एक कप फ्लार ऐड किया, 1 टीस्पून यीस्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें 1 कप वार्म वाटर ऐड करके मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया। अब इसके ऊपर मैंने लगाया वेजिटेबल ऑयल और इसे मैंने क्लिंग फिल्म के साथ कवर करके रख दिया जब तक कि ये साइज में डबल ना हो जाए। एक तरफ मैंने हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, अनियन और हैम, मशरूम को कट कर लिया। चाहे तो आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने एक लोई बनाई, लोई बना के मैंने इसको रोलिंग पिन से रोल कर लिया। फोक से पिज्जा बेस पर इस तरीके से निशान लगा लिया। फिर इसके ऊपर मैंने लगाई पिज्जा सॉस। इसके बाद फिर मैंने ऐड किया बहुत सारी चीज़। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने ऐड किया जो मैंने वेजिटेबल्स कट किए थे। मैंने पिज़्ज़ा को 15 से 20 मिनट तक 160 डिग्री सेल्सियस पर बेक करने के लिए ओवन में रख दिया और ये हो गया मेरा पिज़्ज़ा रेडी। तो चलिए मैं पिज़्ज़ा खाने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।